हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, आज 1 नवंबर है। हर साल आज के दिन या फिर इसी डेट के आसपास आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन आता था, बट आज हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। कुछ दिनों मैंने पहले आपसे बोला था कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जैसे इफको एफको तो एक कॉपरेटिव है, बट एनएफएल क्या है, पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं वैकेंसीज आई है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया हुआ है। अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको इसका भी वीडियो बना के शो करेंगे। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 60 वैकेंसीज है, ट्रेनी में 10 वैकेंसीज है, लीगल में 4 वैकेंसीज है, और ये टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं ये एनएफएल में। इसके अलावा अकाउंट्स की वैकेंसीज भी हैं, वो नोटिफिकेशन मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि यहां पे मैक्सिमम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ही हैं। समझने की बात ये है कि ये जॉब कैसी है, कितनी अच्छी है। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, इवन एमबीए भी हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग की भी ये यहाँ पे पोजीशन है, या फिर ये पोजीशन स्पेसिफिक भी मार्केटिंग की है। सैलरी इसमें काफी अच्छी होती है, 65,000 प्लस इन हैंड सैलरी होगी, प्लस ही होती है क्योंकि फील्ड विजिट है, फील्ड वर्क है, या फिर आप देखेंगे जो एनएफएल है वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं, उन्हीं के घर में ही उनका ऑफिस होता है जनरली, तो वो सारे अलाउंसेस मिला के सैलरी नो डाउट अच्छी होती है। फर्टिलाइजर से रिलेटेड वर्क है, आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में ये मेजरली काम करते हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन है। कहने का मतलब है 2023 में बहुत सारी वैकेंसीज अभी तक हमको एग्रीकल्चर में देखने को मिली है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और बहुत सारी वैकेंसीज आगे आ सकती हैं क्योंकि आप सभी को पता है 2023 एंड 24 में बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि उनको वैकेंसीज फिल करनी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि हम हमेशा एग्जाम रेडी रहें, हम स्पेसिफिक ना पढ़ें बल्कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ें। जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो अब जिस भी नोटिफिकेशन के लिए आएगा हम उसको देंगे, उसका नाम कुछ भी हो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है और ये सारे ही गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट पीएसयूज हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, ये हम हमेशा कहते हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आई एग्जाम भी आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे भी आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, डिटेल नोटिफिकेशन आने पे हम बताएंगे, और साथ ही साथ एफओ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, स्टडी प्लान हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। All the very best.